हालेलुया, सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यीशु का संदेश में। आशा करती हूँ कि आप सभी चंगे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। परमेश्वर के राज्य में खुश रहिए। चिंता करना परमेश्वर का काम है, अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दीजिए, पलटा लेना उसका काम है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने हमें आज जीवितों की दुनिया में जीवित रखा, हमें बीमारियों से बचा के रखा। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का, आज उसने हमें अपने ये वचन पढ़ने का मौका दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमें बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, सोचने समझने की शक्ति दे, ताकि हम उसके राज्य के लिए कार्य कर सकें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। चलिए परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे नया नियम मती से 8वां अध्याय। आशा करती हूँ कि आप सब उसे ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। कोढ़ के रोगी को चंगा करना। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। एक सूबेदार का विश्वास। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। अनेक रोगियों को चंगा करना। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़े देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया, और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु का शिष्य बनने का मूल्य। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूँ। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तूफान को शांत करना। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी, और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्यों को चंगा करना।
जब वह उस पार गर्दरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वे निकल कर सूरों में बैठ गई, और देखो सारा झुंड कड़ाहे पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिन में दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देख कर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। आमीन। आशा करती हूँ कि आपने वचन को ध्यान से सुना होगा। ये वचन आपके जीवन में 100 गुना 1000 गुना फलों को लेकर आए और आपके जीवन से अंधकार और बीमारियों को दूर करे, आपको सुखी रखे, चंगा रखे, आपके हर काम में बरकत दे, आपके आने जाने में मदद करे, फाइनेंशियल आपकी सारी दिक्कत दूर हो, कर्जों से छुटकारा मिले, बीमारियों से छुटकारा मिले, परमेश्वर आपको संभाल के रखे। हालेलुया। अगर आपको ये वचन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आमीन।